अगर किसी को बाइक धुलाना हो लखीमपुर पे प्लीज कॉन्टेक्ट मिलन भराली। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं ये डीजल से साफ, एंड ये जो एरिया है ना, ये जो सिलेंडर है ना, ये इसका एक्चुअली ना कलर चेंज होते रहता है, तो अभी इसे ना साफ किया जा रहा है तो इसका पूरा कलर चेंज हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों से यार मैं बीमार था, मतलब कि लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था कम से कम 23 या 24 जून को, एंड आज है 29 ऑफ जून। एंड वैसे आज मैं जा रहा हूँ गांव, क्योंकि यार बाइक मैंने ना 5 दिनों से मैंने टच नहीं किया अपने बाइक को यार, और ये बाइक को यार मैं बस धुलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ अपने गाँव पे। एंड वहाँ पे मेरा कजिन मिलन भाई इंतजार कर रहे हैं। और कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ठाक गया। तो अभी क्या वेकेशन चल रहा है? अभी वेकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो सही है। ये 5 दिन से मैं सोच रहा था कि कब मेरा तबीयत ठीक हो एंड फाइनली जाके मैं राइड करूं। 5 दिन बाद आज मैं चलाने जा रहा हूं अपना ये रानी को। ये वैसे यार मैंने नाम सोच लिया है, मेरे बाइक का नाम होगा रानी। कैसा है मैदान? बढ़िया रानी। हिंदी में बोलते रानी, इंग्लिश में बोलते क्वीन। तो अपने क्वीन को मैं लेके जा रहा हूँ आज धोने को यार, क्योंकि ईटानगर के बाद जैसे मैं आया ना, मैंने धोया नहीं अपने बाइक को। तो यार ठीक है, चलो चलते डायरेक्ट हाईवे पे मिलते हैं। थैंक गॉड, मुझे लग रहा था यार पेट्रोल है ही नहीं यार, यहाँ तक पहुँचेगा फिर नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट होपफुली पहुँच गए पेट्रोल पंप पे एंड हमारा बच गया तेल। तो मेरे पास एक छोटा सा ये वॉलेट में पड़ा हुआ था, तो इसी का डाल रहा हूँ, नहीं तो यार डालने का कुछ था ही नहीं मेरे पास। ये ले लो। पाँच दिन से मैंने स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा मतलब वो कर रहा है बाइक, जो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, लाइक ऐसा बिहेव कर रहा है कि यार कहाँ थे मालिक, इतने दिनों से आप कहाँ थे। बट हम अभी आ गए हैं मेरी रानी, हम तुम्हें अभी हम इतना दौड़ाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गियर कैसे लगाए और एक्सीलेटर कैसे दबाए। अभी हम हो रहे हैं अपने गांव पे एंट्री। अभी मेरे गांव का नज़ारा देखो आप, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अभी हम हो रहे हैं एंट्री। ये रहा पूरा पानी हो रखा है वैसे खेतों में, और कुछ ऐसे एंट्री हो रहे हैं अपने गांव में। यहाँ से बहुत ही गंदा सा रास्ता है हमारा। यहाँ से हम जाएंगे कुछ ऐसे इस तरह, यहाँ से ये गांव का कुछ रास्ता देख लो, हमारा गांव का रास्ता कैसा है सही में। क्या ही कर सकते हैं यार, जब सरकार यार हमने चुना है एंड अभी तक यार गांव पे रास्ता नहीं आया हमारा। तो यार कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार जिस सरकार को यार हमने वोट डाला है, क्या वो सही काम कर रही है फिर? नहीं, बाहर तो कर रही है वैसे, बट यार अपना जो मेन रूट है गांव है वही डेवलप नहीं कर रहे हैं।
तो अभी हम पहुंच गए शांति निवास, हमारे गांव पे, आई मीन हमारे घर पे, बड़ा घर आमागढ़ जिसम कहते हैं। अरे यहाँ पे हमारे जीमी जीमू 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 बूजू बूजू, यहाँ पे जीमी ये हमेशा ऐसे करती है जब भी मैं आता हूँ। मत कर मत कर, हो गया हो गया हो गया, ले ले उब उब उब, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया हो गया। तो मैं हूँ अभी अपने गांव पे एंड गांव के घर पे हूँ। एंड एक चीज़ आपको मैं दिखाऊँ ना, मेरा भाई कज़न के पास, सबके पास पता क्या है, एक्सर का हेलमेट है। ये देखो, ये है भाई का, ये आकाश का ये हेलमेट है एंड ये मिलन भाई का हेलमेट है। तो यहाँ पे दो दो एक्सर है हमारे पास। एंड यार पता नहीं मैंने क्यों SMG ले लिया, तो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि यार एक्सर जो हेलमेट है ना थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा हैवी है, बट यार प्रोटेक्शन वाइज ज़्यादा देता है एक्सर। एंड वैसे इसका भी बहुत सही है, ये देखो भाई। तेरी कौन से मॉडल हो? सी डेविल। अच्छा, समंदर का क्या है, डेविल को क्या कहेंगे, राक्षस? राक्षस, समंदर का राक्षस। कौन से कॉल तो खींचे चैप्टे मारो निस्किन सा हिमालयन। अबे नो जाना इले परखी ना, जा टोकी दे, जा टोकी दे, ले असर उठा दो अगाड़ के चक्का। मम्मी जब भी आती है ना इसके लिए, जिमी के लिए बिस्किट लेके आती है, तो मैं यार भूल गया लाने को ना, तो इसी कारण से बेचारी देख रही मेरे को कि मैं कुछ लाया हो गया इसके लिए। कुछ नहीं लाया बच्ची, नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बाइक, मिलन भाई का है ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, ये पुराना जो वर्जन था ना, कम से कम कितना साल हो गया, 5-6 साल हो गए शायद ना। एंड हमारे पास ये है 2022 का स्क्रैम 411। एंड वैसे यार ये तो पूरा वो कबीर सिंह वाला बाइक लग रहा है ये दिखने में। ये क्या कर रहे हो, डीजल से क्या होगा? अच्छा, अब ये मतलब कि क्या करेंगे, ऑयल साफ करेंगे बाइक के नीचे वाले जो पार्ट है, ये चेन वाले जो एरिया है, इसे मैं मार देता हूँ थोड़ा सा। यार पूरा खतरनाक कीचड़ लगा हुआ है, ये देखो ये सारा अरुणाचल का कीचड़ है, यहाँ तक आ गया। तो वैसे यार मेरा जो आने का प्लान यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने मिलन को मैंने कहा कि अगर तू मेरा बाइक धोएगा तभी मैं आऊँगा। तो ये भी यार बोर हो रहा था, तो यार मैं सीख रहा फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से मैं तेरा भी धो दूंगा, तू इस बार धो दे मेरा। कितना गंदा है, ये वाला ज़्यादा गंदा है, वो तेरा वाला ज़्यादा गंदा है? ये तेरा वाला, इसका ज़्यादा क्या निकलता नहीं क्या तेल वगैरह? तो वैसे यार भाई बहुत ही अच्छा बाइक धोते हैं ये देखो। अगर किसी को, हाँ गाइज, अगर किसी को बाइक धुलाना हो लखीमपुर पे, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मिलन भराली। सो गाइज, ये अभी रेडी है हमारा बाइक धो के पूरा, यार अभी साफ हो चुका है। एंड वैसे यार अभी ये साफ होने के बाद बहुत मतलब कि अच्छा दिख रहा है। एंड वैसे ना अभी तक मतलब कि यहाँ पे पॉलिश किया नहीं है ना, तो बस थोड़ा सा फीका फीका लग रहा होगा मे बी, बट यार पहले से तो यार काफ़ी ज़्यादा साफ हो गया है। तो गाइज अभी जस्ट मैं निकलने वाला हूँ, एंड शाम हो गई है वैसे, एंड शाम होने से पहले आई मीन निकलने से पहले तो एक बार इसे स्टार्ट किया जाए। मिलन मैं अपना बाइक स्टार्ट करेंगे, मैं अपना करूँगा। चाबी तो लगा ले, किधर चाबी? बाइक को धुलाने के बाद एक बार स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि यार नहीं तो वो नाराज़ हो जाती है यार। इसको थोड़ा गर्म करने ना, अभी बेचारे ये ठंड मतलब ठंडी हो गई है, तो इसे थोड़ा स्टार्ट करके थोड़ा गर्म करते हैं हम। जिमी जो चाबी ले करो, फटाफट जाओ। हाँ अभी लगाओ चाबी, एक साथ करते चल, 1, 2 and 3 जोर से। ये मुझे जाने का मन नहीं कर रहा यार, वापस वो हो जाएगा, गंदा हो जाएगा वापस। हाँ नहीं नहीं जाना होगा, काकी बॉस लो जी मे, टाटा बाय बॉस लो। अरे ये कहाँ चला गया, हाँ चलो चलो। तो आगे वैसे यार कीचड़ तो है वैसे, अबे यार सही में यार मुझे यार ये गंदा करने का मन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही मेहनत से धोया यार मिलन भाई ने इसी कारण से, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बच बचा के जाने को। आप में कुछ चला गया मेरा।
ये रहा। ओ शिट, गलती कर दिया मेरे यार, मुझे वाइजर पहन के मुझे चलाना चाहिए था अच्छे से। चलो अभी अच्छा अपने घर पे। एंड ये दोनों को देखो, ये दोनों को मैंने कहा था चाय बनाने के लिए, दोनों नाटक कर रहे हैं एंड झगड़ा कर रहे हैं। ये देखो चीनी डाल दिया, तो क्या करेगा दूध को? नहीं पिएगा तो इसको तीन जनों के लिए बनाएगा, बॉडी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। वही करो, पापा एक्चुअली चीनी नहीं खाते तो इसने यार चीनी डाल दिया पूरे चाय में। ये देखो यार वेस्ट करना मत। और वैसे गाइस मैं ना जिस टाइम में बीमार था दो दिन पहले, तो उस टाइम मैं क्या कर रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने रूम पे वैसे एंड बहुत ही गंदा हो रखा है रूम। एंड मैं कर रहा था ये स्केच इनका, ये है वैसे हरि भक्त कटवाल नाम है इनका। 2 जुलाई को है हमारा रघुवंश खानदान का एक इवेंट, कैलेंडर लॉन्च इवेंट है, तो उसी इवेंट के लिए मैंने ये स्केच बनाया। एंड मैं उसे प्रेजेंट करूंगा, हमारे रघुवंश जो हमारे ग्रुप है उनको मैं ये प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसी कारण से मैंने ये स्केच बनवाया। सो वैसे गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। एंड बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपको दूसरे ब्लॉग पे। एंड 1 जुलाई को है मेरा बर्थडे, वैसे यार बताते तो है ही नहीं, वैसे मतलब बताना तो चाहिए अपना बर्थडे अनाउंस नहीं करना चाहिए, बट यार फिर भी चलो यार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने अपना जो बर्थडे मनाया था तो वो ब्लॉग है। अगर आपको वो ब्लॉग लास्ट ईयर वाला देखना है तो यार लास्ट में ये वीडियो में डाल रहा हूँ, वो देख लेना मेरा। तो 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है, पता नहीं कुछ प्लान अभी तक किया नहीं, बट देखते क्या होगा। एंड 2 जुलाई को तो मैं जा रहा हूँ खोना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल ईयर, आई विल सी यू सून इन माना द नेक्स्ट ब्लॉग। Till then, chalo bye guys, take care.